दोस्तों हांगकांग में अगर ड्राइविंग की बात करूँ तो अपने इंडिया वाली राइट हैंड स्टेयरिंग ड्राइविंग है इंडिया वाली, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस हुआ है। चाइना में थी लेफ्ट हैंड स्टेयरिंग ड्राइविंग और हांगकांग में आ गई अपने इंडिया वाली राइट हैंड स्टेयरिंग। भाई बसें बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं, क्या बात है, एक के बाद एक डबल डेकर बस है। यही भाई अट्रैक्शन है हांगकांग का। अब ये रोड क्रॉस करनी है, पता नहीं इसमें क्यों घंटी बज रही है, सुन रही है? यहाँ भी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख जाएंगी आपको। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में आपका। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि चाइना से हम हांगकांग लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे मेट्रो में। शेनजन का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से चलती है मेट्रो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुँचें। तो अभी मैंने चाइना की साइड से इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, हांगकांग की तरफ आया तो उन्होंने मेरा वीज़ा देखा हांगकांग का, जो PAR फ्री होता है 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, तो वो मैंने अप्लाई पहले ही कर लिया था। तो मैंने चाइना की तरफ से एंट्री कर ली हांगकांग के अंदर। चाइना का इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, उन्होंने मेरा हांगकांग का वीज़ा मांगा मुझसे और एक फॉर्म दिया फिल करने के लिए, उसमें आपकी पासपोर्ट की डिटेल और आप होटल कहाँ रुकने वाले हो हांगकांग में। मेरे पास अभी होटल बुकिंग कुछ नहीं है तो मैंने ऐसी गूगल से उठा के उस फॉर्म पे वो वाला होटल का एड्रेस डाल दिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा और एक स्लिप दी मुझे, क्योंकि यहाँ पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती, तो एक रिसिप्ट दे दी मुझे और मैं आगे आ गया। चाइना की तरफ से मैं क्लियर हुआ और जब हांगकांग की तरफ एंट्री हुई मेरी तो हांगकांग में मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा और एक स्लिप दे दी उन्होंने, भी कुछ नहीं पूछा। फिर हांगकांग का इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई टिकट कहाँ से ख़रीदनी है, कैसे हांगकांग जाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना है। तो जब हांगकांग की तरफ से मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया उसके बाद मैंने टिकट ख़रीदी यहाँ की मेट्रो की। तो ये देखिए मेट्रो के स्टेशन पर आ चुका हूँ। तो इसकी टिकट ख़रीदने के लिए बोल रहे थे $45, मैं डर गया भाई इतना महंगा, $45। बाद में जाके किसी ने बताया कि भाई ये 45 हांगकांग डॉलर हैं, तो इंडिया के मेरे ख्याल से 450 रुपये होते हैं। तो 450 रुपये में मुझे ये टिकट मिल गई है। एक जगह है टिम शाशुई जहाँ पर हॉस्टल थोड़े बजट में मिल जाते हैं, तो मैं उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ। मुझे शायद मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी या कैसे करना है अभी कुछ नहीं पता, हांगकांग में नया हूँ मैं, कि मेरी चाइना की सिम चल रही है, चाइना के नेटवर्क आ रहे हैं, बट ऑफिशियली देखा जाए तो मैं हांगकांग में एंट्री ले चुका हूँ। तो जो ये हांगकांग का वीज़ा है 6 महीने की वैलिडिटी होती है और ये बहुत ही इजी होता है। आप गूगल पर डालिए हांगकांग PAR तो सारा फॉर्म खुल जाएगा, उसको फिल करते जाइए। बट मैंने सुना है पंजाब, कोलकाता और गुजरात के पासपोर्ट्स होल्डर्स के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, बट मेरा पासपोर्ट दिल्ली का है तो मुझे ईजिली मिल गया था 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। सफ़र शुरू करने से पहले ही मैंने ये वीज़ा ले लिया था। तो अब आपको एक दो दिन हांगकांग घुमाते हैं और फिर मैं निकल जाऊँगा वियतनाम, क्योंकि मेरे पास वियतनाम का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो मैं हांगकांग 2-3 दिन रुकूंगा, फिर आपको मिलेंगे वियतनाम में। तो चलिए चलते हैं इस मेट्रो में, देखते हैं कैसा सफ़र होने वाला है इसका। ये देख लीजिए जो हांगकांग मेट्रो लेके जाएगी मुझे, ये कुछ ऐसी है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो वहां जाकर भी फॉलो कर लीजिएगा। ये सामने देखिए कितना छोटा सा प्लेटफॉर्म है मेट्रो का, यही जगह है सिर्फ प्लेटफॉर्म की और बैक साइड में इसके पीछे का रोड आ जाता है, सड़क आ जाती है। तो देखिए कितना छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है मेट्रो। तो चाइना के मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म है उनसे बिल्कुल अलग है, तो कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा था कि चाइना का ही पार्ट था हांगकांग, तो सब कुछ डेवलपमेंट हर चीज़ आपको चाइना से रिलेटेड देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि मेट्रो में ही दिख गया मुझे, सब कुछ डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। और भी देखिए आगे आगे क्या क्या देखने को मिलेगा।
तो फील तो पूरा आ रहा है कि मैं किसी दूसरे देश में आ चुका हूँ। भाई स्वागत है आपका हांगकांग में। तो ये देख लीजिए हांगकांग का नज़ारा एक बार। डबल डेकर बसेस दिख जाएंगी यहाँ पर आपको। ये चीज़ें टीवी में देखा करता था, आज खुद आंखों से देख रहा हूँ। एक और नए देश में एक और एडवेंचर व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी मैंने ना हॉस्टल बुक किया, मुझे कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, बस मैं एग्ज़िट हो गया मेट्रो स्टेशन से। मैं चाइना से आया हांगकांग में, तो चाइना में तीन चार रेलवे स्टेशन है। शेंजन जो सिटी है, शेंजन वहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ। तो शेंजन, शेंजन नॉर्थ, शेंजन ईस्ट। तो मैंने शेंजन से मेट्रो ली हांगकांग की, तो वो मुझे बहुत सस्ती पड़ी। अगर आप हाई स्पीड से आओगे तो आपको महंगी पड़ेगी। शेंजन रेलवे स्टेशन पर ही हांगकांग चाइना का इमिग्रेशन काउंटर है। इमिग्रेशन क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हांगकांग साइड से आप हांगकांग की मेट्रो की टिकट ले लीजिए। देखिए हांगकांग की मेन अट्रैक्शन तो यही है, डबल डेकर बसेस। पहले मैं अपना हॉस्टल ढूंढता हूँ, हॉस्टल बुक करता हूँ कि मुझे कहाँ लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है जितने दिन यहाँ रहूँगा। तो पहले हॉस्टल बुक करता हूँ। आप दोस्तों, यदि आप भी हांगकांग आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो टिम शा शुई ही मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आप हॉस्टल होटल इसी लोकेशन पर बुक कीजिएगा, यही मेन लोकेशन है घूमने के लिए। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हांगकांग और बैंकॉक, बचपन में कभी ये नाम सुना करता था, और बैंकॉक मैंने विज़िट कर लिया था कुछ टाइम पहले, उसके व्लॉग्स नहीं है मेरे पास, बट हाँ हांगकांग में आ गया हूँ, हांगकांग के व्लॉग बनाएंगे। तो बचपन की जो चीज़ें मैं सुना करता था, आज खुद मुझे मौका मिल गया यहाँ पर विज़िट करने का। तो ऐसा ही है, अगर आपके भी कुछ ड्रीम है तो उन ड्रीम को पूरा करने के लिए निकल जाइए आप भी। और एक बार मैं वियतनाम से इंडिया आ रहा था, तो मेरा लेओवर था हांगकांग में, और जो हांगकांग का एयरपोर्ट है ना भाई साहब, गजब। जब लैंडिंग हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि फ़्लाइट समुंदर के अंदर जा रही है। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है हांगकांग का। उस टाइम मेरा लेओवर था तो मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पाया था, बट हाँ इस टाइम पूरा एक्सप्लोर करेंगे हांगकांग को एक दो दिन। दोस्तों थोड़ी धूप है यहाँ पर डे का जो क्राउड है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो सोचिए डे का क्राउड ऐसा है तो नाइट लाइफ कैसी होगी हांगकांग की टिम शा शुई स्ट्रीट की। और दूसरी बात, चाइना में मुझे इतने फॉरनर्स देखने को नहीं मिले जैसे ही हांगकांग आया। यहाँ पर इंडियंस, पाकिस्तानीज, काफ़ी कंट्रीज़ के लोग मुझे दिखने लग गए हैं। तो यहाँ मज़ा आएगा व्लॉगिंग का भी और एक्सप्लोर करने का भी। और ये बस देख रहे हैं, ये बस मैं कभी वीडियोस में फ़ोटोज़ में देखा करता था, तो इस बस की राइड भी ज़रूर लेंगे। दोस्तों हांगकांग में अगर ड्राइविंग की बात करूँ तो अपने इंडिया वाली राइट हैंड स्टेयरिंग ड्राइविंग है इंडिया वाली, थोड़ा बॉर्डर क्रॉस हुआ है। चाइना में थी लेफ्ट हैंड स्टेयरिंग ड्राइविंग, और हांगकांग में आ गई अपने इंडिया वाली राइट हैंड स्टेयरिंग। भाई बसें बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं, क्या बात है, एक के बाद एक डबल डेकर बस है। यही भाई अट्रैक्शन है हांगकांग का। अब ये रोड क्रॉस करनी है, पता नहीं इसमें क्यों घंटी बज रही है, सुन रही है? यहाँ भी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख जाएंगी आपको। ओ घंटी, घंटी भाई आज से भेजिए, कड़क की ग्रीन होगी, निकलो। तो इस एरिया में हॉस्टल थोड़े सस्ते हैं, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि पहले पेमेंट कर दूँ, फिर कोई धोखा हो जाए कुछ हो जाए। तो इस एरिया में बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो जो पसंद आएगा वहीं बैठ के बुक कर दूँगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने ले लिया है एक डोमेट्री, और जो कि इस डोमेट्री को रन करते हैं अपने इंडिया के सरदार जी, ढिल्लों गेस्ट हाउस, जो कि है
TST जो मेन लोकेशन है सेंटर की, वहाँ पर ये लोकेटेड है और मुझे ये मिल गया है इंडिया के 1600 रुपए में। और डोमेट्री दिखा देता हूँ आपको, इसमें लगे हुए हैं तीन बंक बेड है, इसमें 6 लोग आ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे हिस्से में आई जगह। और ये भाई अपने दिल्ली इंडिया से ही हैं भाई अभी? जी ओके, यूपी से हैं ये भाई, भी आज ही आए हैं। तो इस डोमेट्री के ऑनर भी इंडियन और यहाँ जितने लोग रुके हैं सारे इंडियन। और आपको अगर मैं नीचे का माहौल दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का, तो भाई ऐसा लग रहा है कि मैं मिनी इंडिया या पाकिस्तान में आ गया हूँ, क्योंकि एंट्री होते ही भाई सब हिंदी बोल रहे थे। यहाँ पर समोसे मिल रहे हैं, यहाँ पे समोसे। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और आपको भी अगर आना हो हांगकांग, सस्ते में रुकना है, मुझे थोड़ा महंगा मिला पर ये भाई तो मुझसे भी सस्ते में आ गए। इनको शायद 1300 रुपये में पड़ा है ऑनलाइन, मुझे ये ऑनलाइन पड़ा है 1600 रुपये में। तो TST का जो मेन मेट्रो स्टेशन है वहाँ से बाहर आएँ, और हार्डली 2-3 मिनट का वॉक है और आप पहुँच जाएंगे DHI LLON ढिल्लोन गेस्ट हाउस हांगकांग। ये डाल दीजिए हांगकांग में आप booking.com पे, आपको ये लोकेशन दिख जाएगी। और मैं हूँ अभी 6th फ्लोर पे। बाहर की लोकेशन कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि थोड़ा बैक साइड है और उधर है मेन रोड। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।